नाश्ते में कौन सी रोटी समीना? मेथी वाली। मेथी वाली रोटी। मेथी वाली रोटी बन रही है। और अब सर्दियां भी भाग रही हैं अचानक अचानक से, और गर्मियों की आमद आमद लगता शुरू हो गई है। तो हमने सोचा कि ये जो मकई की रोटी कह रही हूँ, मेथी की मेथी की रोटी, इसके अलावा आलू की रोटी और उसके अलावा मूली की रोटी, ये हम राशिद को रोटियां सारी खिला दें, क्योंकि राशिद की मोस्ट फेवरेट है। तो जी बनेगी, ये देखें घर का मक्खन है, ये उसमें बनेगी। और अब मैं ऑयल की जगह मक्खन यूज़ करूंगी। तो जी अब इसको बहुत हल्की आंच पे भी नहीं बनती, लेकिन तेज़ आंच पे भी नहीं बनती, क्योंकि इसमें मेथी कच्ची होती है, लिहाजा फिर ये मीडियम से लो पे ये बनेगी। और दूसरा ये कि आपने मेरे चैनल पे है इसकी मेथी की रोटी की रेसिपी कंप्लीट, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, और ये जोड़ों के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी है। इसमें ना एक सेकंड, इसको होगी वजी हो गई है जी। तो बिस्मिल्लाह, ये देखिए इसमें ना अगले पे ना खुश्का कम लगाना है। तो बस ये हल्की हल्की सिकती है, तो हम इस पे फिर मक्खन लगाते हैं। आँच ज़रा हल्की ही रखें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। तो जी, हम इस पे लगाएंगे मक्खन, ये देखें मक्खन, और अब हल्की सी आँच पे इसको फ्राई करेंगे। वैसे ये है कि ये रोटी अगर हम नाश्ते में, वैसे स्लाइस की निस्बत सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है, अब तक रिसर्च में भी ये चीज़ें शामिल हो गई हैं कि जो ये रोटी है, आप जौ की ले लें, मकई, इसकी जो किस्म की मर्जी ले लें, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हम जो स्लाइस खा लेते हैं, वो नीला मैदा ही है। बहुत है तो आप शुगर फ्री ब्राउन ब्रेड खाएं, एक तरफ से फ्राई हो जाए दूसरी तरफ से आप कर लें। मक्खन से वैसे इसकी ग्रीसी से लुक तो नहीं आती, शाइन आए, लेकिन एटलीस्ट हेल्दी ऑप्शन है ये आपके लिए। मक्खन जो है सब एक साइड से ही हो रही है हल्की हल्की सी, तो फिर मैं इसको दूसरी साइड भी इसकी टर्न करती हूँ। तो जी आज हमारे घर नाश्ते में बन रही है मकई के ही जा रही हूँ वजी पर मेथी की मकई खा रोटी। रही जी थी। मेथी की रोटी में बार बार मकई कह रही हूँ कि मैंने मकई की रोटी इतनी खा ली है इस मौसम में, और लिहाजा अब एक तरफ से गोल्डन होती है तो मैं दूसरी साइड इसकी टर्न करती हूँ। तो ध्यान से ध्यान से, ये देखिए हल्का हल्का सा इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बेहतरीन ऑप्शन यही होती है आप देसी घी या मक्खन यूज़ करें, ये ऑयल तो नीरा सच्ची बीमारियों का समझे गढ़ है ये। और हेल्दी ऑप्शन मैं हमेशा, पहले भी जब मैंने आपको अपने वेट लॉस की कुछ चीज़ें बताई तो उसमें भी ये कहा था कि हेल्दी ऑप्शन ये कि आप देसी चीज़ें खाएं और कम खाएं, ज़्यादा भर भर के मत खाएं, थोड़ा खाएं। मुश्किल लगती है एक टाइम में, जैसे मेरा बड़ा बेटा पहले चीनी लेता था चाय में ज़्यादा, अब उसने कम कर दिया, और वो अब उसको वो कहता मामा मुझे चीनी कम दिया करें, चूँकि हमारे पूरे घर में चीनी कम इस्तेमाल होती है, लिहाजा फिर चाय में भी अब बच्चे कम ही लेते हैं सवाए कुमैल के और असलम अंकल के, ये तेज़ लेते हैं। तो बस ये बन गई है तकरीबन, ये देखें थोड़ी सी रह गई है, बस ये गोल्डन थोड़े से उसके ऊपर और फूल बन जाए तो जी ये रेडी है। इसको आप दही के रायते के साथ खाएं, और दही के रायते में आप डाल लें काली मिर्चें, ज़ीरा और सॉल्ट, ये डालें और आप देखें बहुत मज़ेदार भुना हुआ ज़ीरा ऐड करें तो ज़्यादा ही मज़ेदार रायता लगेगा। अचार के साथ लें, चाय साथ लें। मेरी सास मरहुमा बड़े शौक से खाती थी ये, हम में से मैं भी, मुझे भी बहुत पसंद है ये मेथी की रोटी, तो वो हमेशा यूँ करती थी अचार और साथ चाय, चाय का एक मग बनवाती थी और साथ ये बनवाती थी, साथ रायता नहीं वो यूज़ करती थी, वो अचार और चाय के साथ वो नाश्ता ये वाला करती थी, नाश्ते में दे दो दोपहर में रात में, इतनी खुश होकर खाती थी वो। और दुआ भी बहुत देते, अच्छा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। ये रोटी बन गई है, अब रोटी मैंने इसमें प्लेट में रख दी है, देख कितनी बेहतरीन शक्ल है इसकी, गोल्डन है पूरी। और बस आप इसको ऑयल में बनाए, देसी घी में बनाए, मक्खन में बनाए, जिसमें मर्जी बनाए, बहुत मज़ेदार रोटी बनती है। सल्ले अला हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हाँ जी, नाश्ते से फारिग होके हम लोग घर आ गए थे। राशि ने कहा कि थोड़ा सा मैंने कुछ चेंजिंग तुम्हें दिखानी है, जो कुछ खिड़कियों का मेजरमेंट लेने आए हुए थे, जो ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़की है और सिटिंग रूम की जो बड़ी खिड़की है उसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी। तो वो खैर राशिद को मैंने अपना आइडिया दिया, उनको काफ़ी पसंद आया और इसको एग्री भी कर लिया। तो जी आपको नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नीचे नज़र आ रहा होगा, ये बिछा हुआ टाइल्स, जैसे कि आपको पता है काफ़ी पुरानी लगी हुई है तो अब डिस्टर्ब हो रही थी, तो अब इसके ऊपर राशिद ने बड़े से शॉपर बिछवा के इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक लेयर जमा दी, ताकि ये एटलीस्ट टाइल्स ना ख़राब हों। तो जी एक और चेंज हुआ घर में, आप देखिए कि किचन में शायद आपको याद होगा कि एक डर्टी किचन था और एक ओपन किचन था, तो मैंने दरमियान से ना, मुझे कोई इतना पसंद नहीं आ रहा था, मुझे कभी भी ओपन किचन पसंद ही नहीं था,
तो बाहर राशिद ने सोचा कि चलो कुछ कंजस्टेड सा लग रहा था जो डर्टी किचन था। खैर राशिद ने सोचा और मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और उन्हें दरमियान से दीवार निकलवा दी। तो अब देखिए कितना खुला खुला कुशादा लग रहा है ये किचन। तो अब पहले ये था कि चलो मुझे गुजारा हो रहा था, तब चैनल भी नहीं था जब घर हमने शुरू किया था, तो मुझे लगा चलो ठीक है ओके हो गया। लेकिन फिर अब मुझे लग रहा था चैनल भी है, शेल्फ्स कम है, तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था सोच सोच के। तो बहरहाल जी अब मैं देख के वाकई बहुत खुशी हुई कि किचन, चले राशि ने मेरी बात का एहतराम किया और किचन की दीवार निकलवा दी और एक खूबसूरत बड़ी लुक इंशाल्लाह ताला किचन की बन जाएगी। तो ये देखिए कुछ चेंजिंग और हो गई है, लॉन के साथ दीवार बनना शुरू हो गई है, रैम घर में बन गया है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें हमें इतनी हिम्मत दे और अपने फजल व करम से एटलीस्ट हम लोग ईद तक अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, ईद से पहले हो जाएं। काम ऐसे कोई इतना ज़्यादा नहीं रह गया, बड़े छोटे छोटे से काम रह गए हैं जो तो उसे टाइम टेकिंग है, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो अब मुंह मत्था घर का निकल रहा है, ये देखें आपके सामने ही है। तो बस जी आप मेरी आज रेसिपी भी देखिएगा, मैंने केरल में टी की जो है वो रेसिपीज लगाई है आज, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि कैरमेटी आप भी अपने तरीके से बताएं, तो मैंने सोचा चल मैं आपको बताती हूँ। तो ये जी राइट साइड पे घर है, मैं से कहती हूँ हुरम सुल्तान का घर है ये, मेरा सुल्तान नहीं आता था ये उसका, मुझे लगता है कि वैसा सा घर बन रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन डिटेल में दिखाऊंगी थोड़ा सा ये घर भी बन जाए। तो मैं राशि से कही थी कि ये देखें अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ घर बन रहे हैं, तो एटलीस्ट जब हम आएंगे कुछ अर्से तक कुछ ना कुछ लोग शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी साइड पे थी अभी वो एग्जेक्टिव साइड है सोसाइटी की, तो इतने ज़्यादा अभी घर नहीं बन रहे थे, लेकिन अचानक ही 5-6 घर बनने शुरू हो गए हैं। तो कम से कम ये होता है कि चलो जी आपके हमसाए अच्छे हों मिल जाएं तो आप कि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो बहरहाल जी चले आप मेरी रेसिपी भी इंजॉय करें, उम्मीद है आपने मेरा नाश्ता भी इंजॉय किया होगा। और घर के लिए आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा, कोई भी आमीन कह दे तो अल्लाह में उसकी आमीन कबूल कर सकता है और इंशाल्लाह ताला हम जल्द अज जल्द इस घर में शिफ्ट हो जाएं। तो चलो अच्छा फिर वीडियोस की मुझे ये लगता है कि क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी, एटलीस्ट एक इंसान लाइफ दिखाना शुरू हो जाता है ना। अदरवाइज़ ये जिस घर में हम रह रहे हैं बहुत छोटा सा घर है, यहाँ छोटा सा कॉम्पैक्ट सा ही है, तो लिहाजा अलहमदिल्ला वो भी, लेकिन अपने घर की अलग ही बात होती है। तो जी बस जी अब हमारा प्यारा सा पार्क आ जाएगा और बस सनी डेज शुरू हो गए हैं, तो अब लोग भी घरों से बाहर नजर आने शुरू, अदरवाइज इसी सोसाइटी में लोग बिल्कुल नजर आने बंद हो गए थे बस सिवाय मजदूरों के। तो जो उम्मीद है आज का व्लॉग आप पसंद करेंगे, आप इसको एंजॉय भी करेंगे, रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है और शानदार भी है। मेरे घर में तो बहुत शौक से सब लोग ये वाली चाय पीते हैं, तो उम्मीद है आप जब जब घर बनाएंगे तो आपके घर वाले भी इसको पसंद कीजिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़। मैं चाय बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं जी, मैं बनाने जा रही हूं कैरमल टी, रोज़ ऑलमोस्ट बनती है लेकिन आज मैंने सोचा चले मैं सर्दियों का तो मौसम ज़बरदस्त वाला चल रहा है, बार बार चाय भी घरों में चल रही है, तो चले मैं भी अपनी रेसिपी आपको देती हूँ जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ। तो जी मैं कैरमल टी बना रही हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए शुगर, मैंने लिया है शक्कर लिया है, आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं 4 कप चाय बनाने लगी हूँ तो उसके लिए मुझे 4 टीस्पून मैंने ली है शक्कर। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मतलब चीनी वगैरह आप जैसे आपको पता है मैं हम लोग कम लेते, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप 6 भी डाल सकते हैं 4 की बजाय, जो लोग तेज़ ले सकते हैं वो 7 भी डाल सकते हैं, जितनी आप चीनी लेते हो उस हिसाब से आप शक्कर ले सकते हैं। और शक्कर का ये होता है कि शक्कर और सर्दियों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, हम बचपन से हम पीते आ रहे हैं गुड़ वाली चाय, तो अब मैं भी बनाती हूँ, मेरी नानी बनाती थी, अम्मी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ और बच्चे भी अब जैसे वो शौक से पीते हैं। तो दिन में हम लोग सेपरेट टी बनाते हैं सुबह नाश्ते के टाइम, इस टाइम बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मामा आप ज़रा गुड़ वाली चाय बनाएं। तो हाँ जी जी उसके लिए मैंने शक्कर ली है और जैसे कि मैंने बताया मैंने 4 कप बना रही हूँ चाय, तो मैंने उसके लिए 4 टीस्पून ही भर के इसकी पत्ती की ले ली है। इसके अलावा मैंने ली है 2 अदद सब्ज इलायची, लेकिन इनको मैंने कूट लिया मोटा मोटा, बारीक पाउडर नहीं करना, मोटा मोटा कूटा, जैसे जो कुंडी डंडे वाला जो डंडा होता है ना कुंडी के साथ, उसके साथ मैंने इसको अच्छा तरह ज़रा क्रश कर लिया। इसके अलावा मैंने लिया दालचीनी, दालचीनी का देखिए मैंने बहुत छोटा स्टिक लिया है एक फ्लेवर ऐड करने के लिए, अदरवाइज अगर हम ना नहीं डालना चाहे तो ना भी डालें, अगर आपको दालचीनी पसंद है तो आप इसको बड़ा स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। और जिसके लिए पानी चाहिए और ऑब्वियसली दूध तो चाहिए, तो मैंने हल्की सी आंच पे ये बातें करते करते रख दिया था पैन, तो अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर, तो शक्कर को मैं अब कैरमलाइज होने दूंगी और बस हल्का हल्का इसको हिलाऊंगी।
क्योंकि पैन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, तो लिहाजा ये अब गर्म होनी शुरू हो गई है। तो बस आप कोशिश करें कि ज़रा ध्यान इसकी तरफ रहे ताकि ये जले ना। ये बस आपने ये हिलाते जाना है ताकि ये जो है इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डार्क हो गया इसका शक्कर का कलर, तो वो आपकी चाय कड़वी भी बन सकती है। बस वो जल्दी बन जाती है। सर्दियों में जी शक्कर की चाय, वैसे बच्चों के सब टेस्ट बनाने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो शक्कर नहीं पीते, लेकिन चीनी की नस्बत शक्कर अच्छी है। एक तो ये होता है, ये नहीं होता इससे वेट लॉस होता है, लेकिन एटलीस्ट आपका वेट बढ़ता भी नहीं है। तो आप कोशिश करें, अगर आप मिक्स चाय बना रही हैं पी रही, कम से कम आप उसमें तो एटलीस्ट ये गुड़ वाली इस्तेमाल करें। हाँ ये कि जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग में सेपरेट टी पीते हैं, उसमें ये होता है कि फिर उसमें शक्कर अच्छी नहीं लगती। ये देखिए आपसे बातों बातों में ये सारी जो है शक्कर भी पिघल गई है। ये देखिए ऑलमोस्ट मुझे रिक्वायर्ड कलर मुझे मिल गया है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। आप ये देखिए इससे ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना, अदरवाइज आपकी चाय कड़वी हो जाएगी। तो एक कप जी भर के मैं इसमें डालूंगी पानी का, और आँच मैं थोड़ी सी अब तेज़ करूँगी, क्योंकि पहले मैंने आँच थोड़ी सी हल्की रखी हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि शक्कर कहीं जल ना जाए। तो जैसे ये अभी डिज़ोल्व हो जाएगी, इसकी आप फिक्र ना करें, जैसे उबाला आएगा शक्कर डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में। तो बाकी प्रोसेस में मैं इसके साथ बताती हूँ आपको। ये देखिए साथ ही शक्कर डिज़ोल्व हो गई, कोई टाइम नहीं लगता। ये ज़रा जैसे आप घबराइएगा मत, अगर फर्स्ट टाइम बना रही हैं कि शायद ये वो गचक सी बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें शक्कर डिज़ोल्व हो गई है। तो जैसे इसे पानी में उबाला आएगा, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ ये दालचीनी और इलायची, और जैसे पानी में बॉयल आएगा तो मैं पत्ती डाल दूंगी इसमें। बहुत आसान और मज़ेदार चाय बनती है ये। हर बंदे की, हर घर में चाय भी बनती है, लेकिन हर बंदे का बनाने का और पीने का बस फ़र्क आ जाता है। और आपने भी नेट पे भी देखी होंगी, वैसी रेसिपीज़ भी आप बनाते ही होंगे। तो मैंने सोचा चले जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। पानी में देखिए जैसे बॉयल आ गया, बस एक दो बॉयल उसमें और आते हैं तो मैं पत्ती डालूंगी। ज़्यादा बॉयल देने का मकसद ये है कि जो इलायची का टेस्ट और दालचीनी का टेस्ट इसमें आ जाए। हाँ जी बॉयल आ गया तो मैं इसमें पत्ती डाल दूंगी। बस पत्ती डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि पत्ती का टेस्ट और कलर दोनों ही निकल आए। ये देखिए जैसे पत्ती डाल के इसमें बॉयल आ रहा है, तो इस टाइम आप इस स्टेज पे एक थोड़ा सा छोटा सा पवा रख लें और उसे थोड़ा सा इसको फेंटें। ऐसे मैं भी पहले सोचती थी कि इस तरह फेंटने का क्या मकसद है, मुझे मुझे भी समझ नहीं आता था टेस्ट पे क्या फ़र्क होगा। लेकिन जब मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं थी, अब मैं सोचती हूँ कि इससे फेंटने से कलर भी अच्छा आता है, और दूसरा बात यह है कि जायके में वैसे फ़र्क आता ही है। तो अगर इसका कोई और भी फ़ायदा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप में से किसी को पता है तो। बस थोड़ा सा पक ले, क्योंकि कहवा अच्छी तरीके से पकेगा तो तभी चाय का भी रंग निकलेगा और टेस्ट भी अच्छा बनता है। कच्चे पके कहवे में अगर आप डाल देंगी तो उसमें फिर आपका वो टेस्ट नहीं रहता। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर निकला है कहवे का। बाकी चीनी आपने ज़्यादा डालनी हो, पत्ती ज़्यादा डालनी हो, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने आपको एक रेसिपी बतानी थी कि मेरे बनाने का ये तरीका है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे घर वाले तो जी बहुत पसंद करके ये चाय पीते हैं, उम्मीद है आपके घर वाले भी जब आप बनाएंगे आप पसंद करके पियेंगे। कहवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा पकाया। अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। अब मैं दूध डाल रही हूँ, और कोशिश करें नाप के डालें। कुछ लोगों का बहुत ऐसे भी सही एक्यूरेट भी रह जाता है। नाप के डालने में ये होता है कि चलिए चीज़ का जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो ज़रा बैलेंस हो जाता है। बाकी जो बड़े बड़े दुनिया में एक्सपर्ट हैं जो हर किस्म का काम, दूध भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग गाढ़ी चाय पीते हैं, कुछ पतली पीते हैं। हम लोग बहुत गाढ़ी चाय नहीं पीते, वो पी नहीं जाती। तो थोड़ा सा मैं दूध का ज़रा पानी का हिसाब ज़रा ज़्यादा रखती हूँ। तो जी एक और फ्लेवर ऐड करूँगी मैं सॉल्ट के साथ। ये देखें मैंने बस दो चुटकियाँ 1/4 टीस्पून, छोटे वाला जो टीस्पून होता है वो मैं इसमें डालूँगी। मेरी नानो डाला करती थी, तो मुझे ना इसमें थोड़ा सा टेस्ट जो है ना सॉल्ट का बहुत पसंद है। नानो के बाद जी मैंने जो अजीम हस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल है सना, सना को मैंने देखा था वो डाला करती थी। मतलब जब मैं डाला मैं इतनी हैरान हो गई कि थी ये तो मेरी मतलब नानो चाय में डाला करती थी सॉल्ट। पुराने ज़माने के लोग थे, चीनी में उन्होंने डाल लेना, उन्होंने ये शक्कर की जो भी चाय बनानी ना तो उसमें डाल लेनी। तो मैं अब उसे मैं देखे बड़ी हैरान हुई।
लेकिन मुझे सना के हाथ की भी चाय बड़ी पसंद है, उसका भी अपना ही टेस्ट है बनाने का। चाय में बिल्कुल बॉयल आने वाला ही है, ये देखो बड़े बड़े बबल्स बनने शुरू हो गए हैं साथ। अब जी इसका फेंटने का अमल बड़ा मज़ेदार है, आप इसको मसलसल फेंटे और फेंटने से इसका अच्छा कलर निकलेगा। मैं कहीं ना पहले मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। और दूसरी टिप एक ये भी है, यहाँ पे जैसे आप बॉयल आना शुरू हो गया ना चाय आप और भी जब रेडी हो जाए ना, तो आप जैसे अगर आपको लग रहा है इसका कहवे का कलर सही नहीं है, लाइट में इतना सही नहीं पता चल रहा, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम कलर आ चुका है, तो आप इसमें बस एंड पे आप यूँ करें कि दोबारा हाफ टी स्पून आप इसमें पत्ती ऐड कर लें, तो आप ये देखिए आपकी चाय का जो टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत डेवलप हो जाएंगे। बस इसको आप थोड़ी देर फेंटें और जो आपकी चाय रेडी है। वैसे 2-4 मिनट आप अच्छे वाला मज़ेदार सा इसको फेंटें तो इसकी कलर और इसका टेस्ट दोनों में बहुत फ़र्क आएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैं सिर्फ बता नहीं रही, मैं आपको डाल के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें अब इसका कलर नोट कर लें और तो आप इसके थोड़ी देर बाद वाला कलर देखें, बहुत फ़र्क है। तो बस आप जी ये देखें बस मज़े इसकी झाग जितनी मज़ेदार बनती है उतना ही इसका टेस्ट ही मज़े का बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी सिंपल सी आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप चाय कैसे बनाती हैं या बनाते हैं। और मेरे घर में तो ये चाय बड़ी पसंद की जाती है, आपके घर भी कौन सी चाय बनती है? वैसे तो पहले इसको गुड़ वाली चाय ही कहते थे जब हम बचपन में थे पीते। ये देखें साथ ही आप देखें कलर इसका कितना ज़बरदस्त निकल आया। तो बस आप थोड़ी सी पत्ती बचा के रख लें, उसको एंड पे डालिएगा और ये देखिए कलर कितना फ़र्क है उससे। ऑलमोस्ट जी चाय मेरी रेडी है, बस आप थोड़ा सा हीट का बैलेंस रखें, जो उबाला आने लगे तो आप कम कर दें। वैसे ये भी मज़ेदार काम है ना ये चाय फेंटना, ये देखिए कलर और इसका टेस्ट भी। और इंशाल्लाह जी मेरी हो चुकी है रेडी, तो चलिए जी मैं आपके सामने इसको डालती हूँ, इसका कलर भी आप चेक करें, एकदम परफेक्ट कलर है। अब थोड़ी सी बस पत्ती बचा लें एंड के लिए, जितनी भी आपने डालनी है उस हिसाब से, और आप उसको बिल्कुल एंड पे डालिएगा, उसका टेस्ट और उसका कलर दोनों ही बहुत फ़र्क आता है। और चूंकि ये मैं आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है और मैं बना चुकी हूँ। ये देख कितना बेहतरीन कलर है इसका माशाल्लाह। तो जी मैं अब इसके नीचे रखती हूँ, सॉस सब गिर गया है नीचे। उम्मीद करती हूँ जो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि चाय आपको कैसी लगी। आप देखें कि कैमरे में भी इसका कलर इतना बेहतरीन है, अदरवाइज़ कैमरे में इतनी अच्छी चीज़ नज़र आती नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इतना परफेक्ट कलर है कि कैमरे में भी अच्छा लग रहा है। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।